हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मीनाक्षी। मैं हूँ आपकी सहेली, आपकी दोस्त। तो आज मैंने 14 नंबर की 14 नंबर की क्रोशिए से कृष्ण जी की चोली बनाई है। और ये मैंने स्पेशली फर्स्ट टाइम डिज़ाइन डाला है। हम ज़्यादा डिज़ाइन नहीं डाल सकते चोली में, क्योंकि हमारे ये फंदे बढ़ते जाते हैं। गले से स्टार्टिंग करते हैं और ये बढ़ते जाते हैं और कमर तक चलते हैं, तो हम इसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बना सकते। तो मैंने कोशिश करा थोड़ा सा डिज़ाइन डालने की। आई होप आपको पसंद आए, और आप लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। और ये हमारा बैक है, ये हमारी स्लीव्स हैं इधर, और ये हमारा फ्रंट साइड है। ये हमने डिज़ाइन बनाया है, और यहाँ पर हमने वी शेप चैन स्टिच, उससे हमने ये डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ पर जिससे वी शेप चैन स्टिच होती है, यहाँ से फंदे बढ़ते चले जाते हैं। बस फर्स्ट चैन में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर हमें वी शेप चैन स्टिच देना है। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वी शेप के ऊपर वी शेप चैन स्टिच बनाते जाइए, नो प्रॉब्लम, और फंदे बढ़ते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 10 लिए थे, फिर चैन वी शेप चैन स्टिच, डबल क्रोशिया वी शेप चैन स्टिच, फिर बैक में 20 डबल क्रोशिया वी शेप चैन स्टिच, 1 डबल क्रोशिया वी शेप चैन स्टिच, और फिर नेक्स्ट में फिर से 10 डबल क्रोशिया हमारे बने हैं। तो हमने ये पूरी 10 लाइनें बनाई हैं। यहाँ पर 10 लाइनें बनाने के बाद स्लीव निकाली है। स्लीव निकालने के बाद हमने 3 लाइनें और बनाई, यानी कि हमारे 13 लाइनें बन चुकी हैं। 13 लाइनों में हमने कंप्लीट करा है। आपको लेंथ कम लगती है, आप 1 लाइनें बढ़ा सकते हैं, 2 लाइनें बढ़ा सकते हैं, कमर में आप इतनी लाइनें बढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर फिर 1-1 इंक्रीज होते गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट में फ्रंट में 1-1 इंक्रीज होता है, स्लीव में 2-2 इंक्रीज होते हैं, और बैक में भी 2-2 डबल क्रोशिया इंक्रीज होते हैं। तो इस तरह से हम अपनी 14 नंबर के कृष्ण जी की चोली बनाई है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमारे फंदे इस तरह से बढ़े हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पर हमने ये जो हमारी जहाँ से हमने बाजू निकाली, यहाँ तक हमारी 19 डबल क्रोशिए आए हैं वन साइड में। तो यहाँ पर हमारे 38 यानी 38 डबल क्रोशिए बैक में आए हैं, और फिर यहाँ पर 20 डबल क्रोशिए आए हैं, इधर भी 20 हैं, और फिर बैक में 40 हैं। तो ये हमारे कमर में 80 यानी कि 80 डबल क्रोशिए कमर में आए हैं। अगर आपको कमर में कम लगता है या ज़्यादा लगता है तो आप थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं, तो आप इंक्रीज़ कर लीजिए। कम है तो टाइट है तो दो तीन डबल क्रोशिए, दो तीन चैन यहाँ पर 3 डबल क्रोशिए इंक्रीज़ कर लीजिए, 1 इधर 1 इधर और बैक में इधर। तो इस तरह से हमारे ये बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे 1-1 और बैक में 2-2 डबल क्रोशिए, यानी कि 4 चैन आपको और इंक्रीज़ करनी है। यहाँ पर हमने 48 चैन लेके इसकी स्टार्टिंग करी है, तो अगर आप लूज़ आता है तो आप थोड़ा उधेड़ दीजिए, और 52 चैन लेकर फिर इसको स्टार्ट कीजिए। तो आई होप आपको पसंद आए, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। और आइए हम इसको बनाते हैं, तो हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। चौदह नंबर कृष्ण जी की चोली बनाने के लिए पहले हम 48 चैन बना लेंगे। ये हमने 48 चैन बना ली हैं। अब हम राउंड लेंगे और 3 काउंट करके 4th चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 हम 3 काउंट करा और ये 4th में डबल क्रोशिया बनाया। 1, 2 अब ये इसको भी हम जो हमने जो 3 चैन है इसको भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 1, 2, 2 हो गए हैं, 3, 4
इस तरह से हम अपने 10 डबल क्रोशिए बनाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यहाँ पर हमारे 10 डबल क्रोशिए बन गए हैं। अब हमें वी स्टिच बनाना है। अब नेक्स्ट वाले में 10 डबल क्रोशिए बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में वी स्टिच बनाएंगे। तो इसके लिए पहले डबल क्रोशिया, चैन और फिर इसी वाले में इसी में वी स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर वी स्टिच बन गया। हमें इस फर्स्ट लाइन में 4 वी स्टिच बनाने हैं, इनकी 4 वी स्टिच बनाने हैं। तो ये हमारा 1 वी स्टिच बन गया है। अब इसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट वाले में वी स्टिच, चैन और फिर से इसी वाले में वी स्टिच। ये हमारे 2 वी स्टिच बन चुके हैं। अब 2 वी स्टिच बनाने के बाद हमें 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हम पहले यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा बैक साइड में जाएगा और ये जो वी स्टिच है इससे हमारी स्लीव्स निकलेंगी। तो पहले हम इसको यहाँ पर अपने 20 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। पर 20 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा वी स्टिच आएगा, जो हम इस लाइन फर्स्ट लाइन का जो हमारा 3rd वी स्टिच है। चैन बनाई और फिर से डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर ये हमारा वी स्टिच हो गया। अब इसके बाद 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और फिर नेक्स्ट फिर से वी स्टिच, डबल क्रोशिया, वी स्टिच बनाने के बाद हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया और फिर से वी स्टिच बनाएंगे, चैन और फिर से डबल क्रोशिया। ये हमारा 4th वी स्टिच बन गया है। यहाँ पर 2 हमारे इधर बने थे, एक 1 स्टिच, 1 वी स्टिच ये रहा, एक ये रहा, 2, 3, 4। अब इसके बाद नेक्स्ट में हमें फिर से 10 डबल क्रोशिए बनाने हैं। ये हमारा फ्रंट साइड में है, ये हमारा जो हम ये जो 10 डबल क्रोशिए हैं ये हमारा फ्रंट साइड में आएगा। तो हम पहले यहाँ पर 10 डबल क्रोशिए कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशिए यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वाले अपने दूसरी रो में जाएंगे, 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3 3 चैन बनाई। अब यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशिए बनाए थे, अब हमें 11 यानी कि 11 डबल क्रोशिए बनाते हैं। हम पहले यहाँ पर वी स्टिच तक 11 डबल क्रोशिए बना लेते हैं। अब हमने यहाँ पर 11 डबल क्रोशिए बना लिए हैं। अब हमारा वी स्टिच आ गया है। अब हम अपना वी स्टिच बनाएंगे, चैन और फिर से ये वी स्टिच। अब इसके बाद यहाँ पर हमने बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाया था। अब यहाँ पर हमारे 2 इंक्रीज होंगे। हमारा 1 फ्रंट में इंक्रीज होगा, यहाँ पर वी स्टिच के बीच में अब 2 इंक्रीज होते जाएंगे और यहाँ पर हमारा बैक में जो 20 डबल क्रोशिया थे यहाँ पर 22 हो जाएंगे और सेम इस तरह से यहाँ पर भी इंक्रीज होगा। तो हमारे यहाँ पर पहले 10 थे, अब 11 हो गए। यहाँ पर हमने बीच में 2 वी स्टिच के बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाया था। अब यहाँ पर जो हम सेकंड लाइन में जाएंगे तो 2 वी स्टिच के बीच में अब 3 डबल क्रोशिया हम बनेंगे। अब हम फिर से वी स्टिच पे आ गए, चैन और फिर से वी स्टिच, ये इस तरह से ये
यहाँ पर ये हमारा ये रहा वी स्टिच और ये रहा, ये दो वी स्टिच हैं और यहाँ पर ये हमारा ये फर्स्ट ये वी स्टिच था, ये सेकंड वाला था, वन डबल क्रोशिया था, अब यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाली लाइन में टू इंक्रीज हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारे 20 डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम पहले 22 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हमने 22 डबल क्रोशिया बना लिए हैं बैक में। अब हम फिर से वी स्टिच पर आ गए हैं। अब हम वी स्टिच बनाएंगे, चेन, फिर से वी स्टिच। अब यहाँ पर हमारा बीच में वन डबल क्रोशिया था, अब यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया बनेंगे। यहाँ पर फिर से हमारे यहाँ पर अब 11 डबल क्रोशिया हमारे बनेंगे। यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं बीच में। अब फिर से वी स्टिच पे आ गए हैं, फिर से वी स्टिच, चैन, वी स्टिच और अब फिर से हमारे अब यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो पहले हम यहाँ पर अपने 11 डबल क्रोशिया को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पर हमारे टू राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम थर्ड राउंड में जाएंगे तो हम दूसरे कलर की ऊन यूज़ करते हैं। अब अपनी पसंद की कोई सी भी ऊन लगा लीजिए नेक्स्ट वाली। आप चाहें तो एक ही कलर का बना सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ मैं दो कलर में बनाऊँ। तो टू लाइनें बनाकर हमने थर्ड लाइनें बनाई हैं। ये हमारा फ्रंट साइड है। हम थ्री चैन बनाएंगे, 1 2 3 थ्री चैन बनाई हमने। अब हम यहाँ पर इधर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैं कुछ डिज़ाइन के लिए सोच रही हूँ, थोड़ा सा अलग सा डिज़ाइन बने। तो इसके लिए हम यहाँ पर हम तीन थ्री बन गए हैं, टू राउंड ले लेते हैं। ये ऐसे 1 2 2 राउंड लिया। अब हमारा 1 2 3 3 बन चुके हैं। फोर्थ वाले में जाएंगे तो हम यहाँ वाला देखते हैं, 1 2 3 4 हमारा ये है इधर। तो इसको थोड़ा सा फोर्थ वाले में इधर थोड़ा सा इसको खींचेंगे, टू राउंड लिया, टू राउंड लिया। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 हमने यहाँ पर थ्री बना लिए। हम फोर्थ वाले में जा रहे हैं इधर, इसमें बनाना है हमें। तो इस तरह से ऐसे नीचे जाएंगे इस तरह से और इसको थोड़ा सा खींचेंगे इस तरह से, फिर ये और ये। अब हमारा ये पीछे बैक में खाली रह जाएगा तो इसीलिए इसको यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। यहाँ से हमारा पूरा फिल हो गया। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे अपने सिंपल जो बनाते हैं, 1 2 3 हमें बीच चैन 20 स्टिच तक बनाना है। तो थ्री बना लिए हमारे, हमने थ्री बना लिए। अब इस वाले में जाएंगे, अब हम हर फोर्थ चैन में अपना डिज़ाइन बनाएंगे, टू राउंड लेके इस तरह से ये और फिर इधर इस तरह से हमने अपना डिजाइन बनाया। और फिर से वन टू थ्री हमारा यहाँ पर वी स्टिच आने वाला है। तो वी स्टिच के हमारे पर हमारा ऊपर वी स्टिच ही बनेगा। टू आ गया,
हमें पीछे खाली कुछ नहीं छोड़ना है। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन होगी। अब ये हमारा वी स्टिच आ गया है। अब हम वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच ले लेंगे, चैन, वी स्टिच, ये हमारा वी स्टिच हो गया। अब यहाँ पर हमें हमारे 3 हैं, अभी हमारे 5 बनेंगे, तो अब हम यहाँ पर भी हमें अपना डिज़ाइन देना है बाजू में। तो हम बीच वाले में, यहाँ पर हमारा 1 था ना, इधर इधर हमारा 1 था, तो हम 1 के ऊपर ही 2 राउंड लिया, हम 1 के ऊपर जाएंगे, 2 वी स्टिच के बीच में एक 1 था, इधर जाएंगे, इस तरह से और अब ये फिर हमसे हमारा यहाँ पर वी स्टिच आ गया। चेन वी स्टिच, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है डिज़ाइन, और ये हमारी कान्हा जी की चोली में कितना बढ़िया लगेगा। इसी तरह से हर 4th चैन में हम पीछे भी बैक में डिज़ाइन बना लेंगे, और हर 4th चैन में मतलब 3 डबल क्रोशिया ही बीच में लेनी है। हर 4th डबल क्रोशिया में हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे, और हमें यहाँ पर भी इस तरह से वी स्टिच पे आकर एक चैन डिज़ाइन वी स्टिच पे भी देना है, और फिर इधर देना है। तो इस तरह से हम अपनी राउंड को कंप्लीट करेंगे, और जो सेकंड लाइन है वो हम अपनी सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी ऊन से। अब हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। ये वाला राउंड कंप्लीट करके हमने नेक्स्ट वाली लाइन जो है सिंपल क्रोशिया की बनाई है, और यहाँ पर हमारे 20 स्टिच हैं। यहाँ जहाँ पर हमारे 20 स्टिच थे, चल रहे थे, हमने उन्हीं के ऊपर अपने 20 स्टिच लिए हैं। ये रहा एक, और एक नेक्स्ट ये रहा, तो ये हमारे 20 स्टिच के ऊपर 20 स्टिच चल रहे हैं, और ऐसे ही इधर भी है। ये रहा हमारा वी स्टिच, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, नेक्स्ट हमारा ये रहा ये। तो इस तरह से अब हम अपने फर्स्ट कर्व में आ जाते हैं। हम अपने फर्स्ट कर्व में आएंगे, तो हम अपना फर्स्ट कलर ले लेते हैं और इसको स्ट्रेच कर देंगे। हमने अपना फर्स्ट कलर ले लिया, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाई। हमें इधर नहीं बनाना, इधर बनाना है नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया। अब हमें 2 राउंड ले लिए, 2 राउंड लेने के बाद अब हमारा इस ये वाला आ रहा है इधर। अब हमने 2 राउंड लेने के बाद इधर सीधा ये जो है इधर लूज छोड़ेंगे, और ये इस तरह से, और अब ये इसमें ब्लैंक पीछे कुछ नहीं छोड़ना है, इस तरह से। या फिर अगर यहाँ पर ज़्यादा खाली रहता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा खाली है तो हम छोटे छोटे राउंड लेकर करेंगे। 1 2 3, 3 राउंड ले लिए, थोड़ा सा इधर इतना, 1 2 3, ये 4, इस तरह से। अब ये यहाँ पर खाली खाली सा नहीं है, अब ये ठीक आ रहा है हमारा, जैसा आपको ठीक लगे 2 राउंड में 3 राउंड में, तो हमारा यहाँ पर खाली खाली नहीं है। अब हमें यहाँ तक आना है फिर से,
अब हमारा फिर से इधर आ गया है, थ्री थ्री राउंड ले लिए हमने, वन टू थ्री, और ये इस तरह से, और अब हम ये पीछे इस तरह से हम हमने पूरे राउंड को बनाएंगे, जहां पर हमारा वी स्टिच है हम अपना वी स्टिच बनाएंगे। हमारे यहाँ पर वी स्टिच आएगा, ये रहा हमारा, ये रहा वी स्टिच, यहाँ से यहाँ तक है। तो हम पहले यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाएंगे, हमारा ये वाला आ गया। तो हम पहले वन टू थ्री थ्री राउंड लेके ये, और अभी एक वन डबल क्रोशिया और बनाना है। अब ये हमारा यहाँ पर वी स्टिच आ गया हमारे, ये ध्यान से देखिएगा तो ये वी स्टिच की लाइन दिखती है ऐसे। तो यहाँ पर हमारे चैन वी स्टिच इस तरह से हम बनाएंगे। हम बीच में यहाँ पर भी और बना सकते हैं, क्योंकि हमारी जब स्लीव बढ़ेगी तो ये एक ही लाइन है, हमारी स्लीव जब मोटी होती जाएगी तो ये हमारी फ्रेक लाइन रह जाएगी, तो इसलिए हमें बीच में भी अपना ये डिज़ाइन डालना पड़ेगा, जिससे ये हमारा डिज़ाइन हमारे स्लीव में और डिज़ाइन आए। फिर से इधर अभी एक और बनाना है, वन टू थ्री, अभी इस पे आ जाते हैं। इस तरह से, और एक बीच में हम इधर भी देंगे, और हमारा वी स्टिच इधर आएगा, ये ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो हमारा वी स्टिच इधर है। ये इधर आ रहा है हमारा वी स्टिच, इस वी स्टिच के अंदर ये वाले टू डबल क्रोशिया हैं, चैन वी स्टिच। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे, इस तरह से हमने भी पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, फिर जो इसी ऊन की है नेक्स्ट सिंपल राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा बैक से सिंपल चलेगा यहाँ से। इसी तरह से हमने वन टू थ्री फोर, हमने हरी वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारी फाइव वाली लाइन चल रही है। इसी तरह से हम अपनी टेन लाइनें कंप्लीट करेंगे, ये फाइव वाली लाइन चल रही है, हम अपनी टेन लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से वी शेप बनाते हुए अपना ये हमारे बढ़ते जाएंगे, वी स्टेप बनाते हुए। पहले हमारे यहाँ पर टेन थे, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन,
इस तरह से हमने 9 लाइन तक बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से आएगा, ये हमारा वी शेप ये रहा, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन है, ये हम डिज़ाइन बना रहे हैं, फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। तो हम पहले 10 लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हमारे कृष्ण जी की 14 नंबर की जो चोली है इसकी हमने 10 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने डिज़ाइन भी बनाया है सब में, और इस तरह से हमारा डिज़ाइन ये इतना बन चुका है। अब हम नेक्स्ट वाला, अब हमें स्लीव निकालनी है चोली की, तो अब नेक्स्ट वाला कलर ले लेते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई थी, तो वो मैं भी बता ही दे रही हूँ। हमने पहले 3 चैन ले लेंगे, 1 2 3, 3 चैन ली। अब हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है, ये अब हम यहाँ पर हमें इसके ऊपर रह रहे हैं, तो हम इस तरह से अब लेके इतना, अब हमें ऐसे नहीं लेना है, इस पर रुक जाना है। अब 1 2 3, 3 राउंड लिया यहाँ से, 1 2 3, 3 राउंड लिया, अभी हमारे तीनों फंदे हो गए, तीनों को एक बार में कर देते हैं। अब ये हमारा ये वाला और ये वाला, जो हम पीछे ब्लैंक नहीं छोड़ते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही उसमें आ गया। तो इससे हमारे ये जो डबल क्रोशिया का जो फंदे हैं, ये लूप हैं, ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे, जितने हमें चाहिए उतने ही रहेंगे। तो अगर ये हम इसका भी अलग लेंगे और इसका भी अलग लेंगे, तो ये ज़्यादा फंदे हो जाएंगे, तो इससे फिर ये ज़्यादा लूज़ हो जाएगी। ये ऐसे करके 1 2 3, ये हमें अपने 20 फर्स्ट जो हमारा 20 स्टिच है वहाँ तक बनाना है, और ये तीन एक बार में। इस तरह से हम अपने डबल क्रोशिए 20 स्टिच तक बनाते जाएंगे। तो हमारा 20 स्टिच यहाँ पर ये रहा, ये हमारा 20 स्टिच चल रहा है, यहाँ तक हम अपनी लाइन को इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने 20 स्टिच तक ये लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम इस लाइन में 20 स्टिच पर आ गए हैं। अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 20 स्टिच में, 1 डबल क्रोशिया बनाया, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 20 स्टिच है यहाँ पर ये रहा, अब यहाँ पर राउंड लेंगे और यहाँ पर 20 स्टिच पे ही डबल क्रोशिया को बनाएंगे। ये हमारी स्लीव निकल गई इस तरह से, ये स्लीव बन चुकी हैं हमारी। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे इधर, इस तरह से, और यहाँ पर हम अपना डिज़ाइन डालते हुए 20 स्टिच तक कंप्लीट करेंगे। तो हम पहले यहाँ 20 स्टिच तक कंप्लीट कर लेते हैं अपना डिज़ाइन डालते हुए। हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर 20 स्टिच पर आ गए हैं। अब हम एक 20 स्टिच में डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट 20 स्टिच होगा ये रहा, ये अब हमारा जो नेक्स्ट 20 स्टिच है उसमें हम डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारे 20 स्टिच वाली पूरी स्लीव निकल गई है। अब हम फिर यहाँ पर अपने डबल क्रोशिए बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे और फिर ये देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन लग रहा है कृष्ण जी की ड्रेस का। ये तो इस ड्रेस कृष्ण जी का ड्रेस है, ये डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हम इस तरह से, ये तो हम अपना वो लाइन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने अपनी ये पूरी लाइन कंप्लीट कर चुकी है, कर दिया है। यहाँ पर मैं ये इस कलर का ये बनाना भूल गई थी, तो फिर मैंने ये
गुलाबी कलर वाले से ही बना दिया है, बट आप जब बनाओगे तो अपने ध्यान रखना। मैं यहाँ पर जी दो में ही मिस्टेक हो गई, ये मैंने छोड़ दिया, मैं भूल गई। और इसके बाद हम दो लाइनें और बनाएंगे, एक तो इसी की बनेगी और फिर नेक्स्ट इस कलर की बनेगी। तो अगर फिर दो हम दो लाइनें और कंप्लीट करते हैं, कितनी अच्छी लग रही है ये डिज़ाइन। और ये हमारी स्लीव्स पे भी डिज़ाइन आ रहा है इधर। तो इसके लिए अब हम पहले दो लाइनें और कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक में तो ये नहीं बनेगा और नेक्स्ट वाली में ये वाला बनेगा जो अभी इस कलर से बनाएंगे। तो हम पहले ये दो लाइनें और बना लेते हैं। अब ये मैंने बाजू निकालने के बाद यहाँ तीन लाइनें बना ली हैं, जिससे ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। ये जो हमारी जो तीन चैनें होती हैं इधर स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ये इस तरह से अब ये हमारा चोली कंप्लीट है। आपको मेरी चोली कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ये हमारा फ्रंट साइड है। अब ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। स्लीव के बाद हमने यहाँ पर थ्री लाइनें और बनाई हैं। यहाँ पर हमारा हमने यहाँ पर फ्रंट में 11 लिए थे, 10 लिए थे, 10 के यहाँ पर हमारे फ्रंट में 10 थे, 10 और बैक में 20 और फिर 10। तो 10 फिर नेक्स्ट वाली में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये जो हमारी 10वीं जो लाइन है 10th रो है, इसमें हमारे 19 बन चुके हैं। और फिर यहाँ पर हमारे इधर 20 आए थे, फिर 20 20। तो यहाँ पर हमारे कमर में 20 हैं, इधर 20 हैं और ये बैक में 40 हैं। तो ये हमारे यहाँ पर कमर में पूरे 80 यानी कि 80 डबल क्रोशिए बने हैं। ये कमर यहाँ पर हमारे स्लीव में यहाँ पर 1 था, फिर 2 इंक्रीज होते चले जाते हैं स्लीव में, तो 1 फिर नेक्स्ट में 3, 5। ये जो हमारे जो चैन है, चैन स्टिच है, इन दो ये जो चैन स्टिच चलती हैं, इधर चैन स्टिच चल रही, इनके बीच में जो इंक्रीज हुए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। 1 यहाँ पर चैन स्टिच था, यहाँ पर भी वी शेप चैन स्टिच है, तो यहाँ पर भी वी शेप दो में। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो यहाँ पर स्लीव में हमारे 19 डबल क्रोशिए बन गए हैं। इस वाली में भी हमारे 19 डबल क्रोशिए बन गए हैं। आपको ये मेरी कृष्ण जी की चोली कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और मैं स्पेशली मैंने फर्स्ट टाइम डिज़ाइन डाला है, जब मैंने सोचा कि कैसा डिज़ाइन हम डाल सकते हैं चोली के अंदर, क्योंकि चोली में ये हमारे फंदे बढ़ते हैं तो इसलिए हम डिज़ाइन नहीं बना पाते हैं, हमारी सिंपल रहती है। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है डिज़ाइन डालने की। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप और आपको भी कुछ और डिज़ाइन आता है तो आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर भी हमने बैक में डिज़ाइन डाला है, यहाँ पर फंदे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ट्रिक स्किप हो गया, यहाँ पर मैं नहीं डाल पाई। और यहाँ पर भी एक बाजू में रह गया है, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम फिर और अच्छा कोशिश करूँगी। और आपको मेरी कृष्ण जी की ये 14 नंबर की कृष्ण जी की चोली कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर विज़िट करते रहिएगा न्यू वीडियो की। पर जो मैंने मेरे और भी जो चोलियाँ हैं उन पर मैं डिज़ाइन डाल चुकी हूँ, हमें किस तरह से डिज़ाइन देना है, वन वन चैन कर ले जाना है या फिर हाफ डबल क्रोशिए से भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप जो अच्छा हो आप वो बनाइए। और आपको मेरी चोली कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।